dear students welcome in the lecture on reaction mechanism of octahedral complexes uh, where we will discuss about the substitution reactions okay and especially in this lecture i will discuss about the general introduction आ, मैं डिस्कस करूंगी बच्चों आपका स्वागत है इस लेक्चर में जो कि हम रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ऑक्टाहीटल कॉम्प्लेक्सेस पे आ, बना रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ ऑक्टाहीटल कॉम्प्लेक्सेस की मैं बात कर रही हूँ और इस जो लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सटिट्यूशन रिएक्शंस की अगर ऑक्टाहीटल कॉम्प्लेक्सेस की रिएक्शंस जो होती हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस वो कितने तरीके की होती हैं किस तरीके से उनका रिएक्शन मैकेनिज्म होता है और क्या उनका एनर्जी प्रोफाइल होता है तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में क्या इन्वॉल्वमेंट है कैसे होती हैं ऑक्टाहीट्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस होती हैं तो सब्सटीट्यूशन मीन्स रिप्लेसमेंट

कभी कभी क्या होता है इन सम रिएक्शंस द सेंट्रल मेटल आयन में भी रिप्लेस्ड कभी कभी सेंट्रल मेटल आयन भी रिप्लेस हो सकता है दूसरे मेटल आयन से अगर इस तरीके का सब्सटीट्यूशन uh, हो रिप्लेसमेंट हो तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो रेयर केसेस uh, है ऑप्टाहीट्रल कॉम्प्लेक्सेस केस में जनरली जो सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस होती हैं वो है लिगेंड सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस अब अगर हम टाइप्स ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस देखें तो वो कितने तरीके की हैं बच्चों जो सब्सिट्यूशन रिएक्शन है वो मेन दो तरीके की होती हैं यूनिमोलिकुलर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बाई मोलिकुलर सब्सिट्यूशन रिएक्शन यूनी मोलिकुलर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को हम एस एन वन रिएक्शन भी कहते हैं एस मीन सब्सटीट्यूशन एन मीन्स न्यूक्लियोफिलिक एंड वन मीन्स यूनी मोलिक्यूलर तो इस इट मीन्स ये है यूनी मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस भी हम लिखेंगे अभी ये आप देखेंगे जो न्यूनी मोलिकुलर न्यूक्लोफिलिकब्सटीट्यूशन रिएक्शन है वो नाम एस एन वन रिएक्शन भी कहते हैं और दूसरी तरीके की जो रिएक्शन है वो बाय मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन जिन्हें हम एस एन टू से शो करते हैं एस फॉर सब्सटीट्यूशन एन फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड टू फॉर बाई मोलिकुलर यानी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है वन मीन्स ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है अगर मैं बात करूं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन की तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों इसको हम कहेंगे डिसोशिएटिव मैकेनिज्म ये जो एस एन वन रिएक्शन है ये किसके थ्रू होती है डिसोशिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू जिसे हम डी से डिनोट करते हैं डिसोशिएटिव मैकेनिज्म क्यों कहते हैं हम इसमें दो स्टेप में ये होती है पहला जो स्टेप होता है इसका डिसोसिएशन स्टेप है और वो स्टेप क्या होता है वो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है जो कि स्लो स्टेप होता है इसीलिए हम इस मैकेनिज्म को डिसोशिएटिव मैकेनिज्म कहते हैं ओके तो डिसोशिएशन क्या होता है जो कॉम्प्लेक्स होता है उसका पहले डिसोशियेशन होता है और उस कॉम्प्लेक्स के डिसोसिएशन में क्या होता है कि एक लिगेंड क्या होगा वो लूज होगा और एक इंटरमीडिएट बनता है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाता है मेटल आयन का पहले जो था उससे क्या होगा जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कम हो जाएगा और ये एक स्लो स्टेप होता है इसीलिए ये रेड डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है दूसरा जो इसका स्टेप होगा वो एसोसिएटिव है जो स्पेसिज बनेगी जिसमें एक कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा उसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो उसमें ऐड होगा और फिर से जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो जो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स था उसके बराबर हो जाएगा और ये जो सेकंड स्टेप है ये कैसा स्टेप है फास्ट स्टेप है तो यहां पर हम देखेंगे यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को ये देखिए ये एक ऑक्टा हिट्रल कॉम्प्लेक्स है इस ऑक्टाहीट्रल कॉम्प्लेक्स में से पहले स्टेप में एक लिगेंड डिसोशिएट होगा इसलिए ये डिसोशिएटिव कहलाती है क्योंकि स्लो स्टेप में क्या होता है डिसोशिएशन होता है तो ये फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर ये जो इंटरमीडिएट बना है ये इंटरमीडिएट में आप देख सकते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर फाइव है जबकि पहले कॉम्प्लेक्स में जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वो सिक्स था तो आप देख सकते हैं एक कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें क्या हो गया कम हो गया और इसके बाद क्या होगा जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें ये जो फाइव कोऑर्डिनेटेड जो इंटरमीडिएट है ये न्यूक्लियो से रिएक्ट करेगा बहुत फास्ट ये फास्ट रिएक्शन होगी और उसके बाद क्या फॉर्मेशन होगा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा जो जो प्रोडक्ट बनना है वो प्रोडक्ट बन जाएगा और इस स्टेप में एसोसिएशन होता है तो ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन होती है एम एक्स सिक्स की रिएक्शन ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन लिगेंड के साथ होती है और उसके बाद ये जो सब्सटीट्यूशन के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और जो एक्स है वो क्या होगा लीव कर जाएगा इस कॉम्प्लेक्स में से अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन देखें बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन दलो स्टेप तो आप देखेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये एम एक्स सिक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अब आप देखेंगे कि यहां पर जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं एस एन वन मैके में आप देखिए दो तरीके के इंटरमीडिएट बन सकते हैं ये ओक्टाहिट्रल कॉम्प्लेक्स है इस ऑक्टा कॉम्प्लेक्स में से जब एक लिगेंड रिमूव होगा तो आप देखिए एक लिगेंड मान लीजिए वाला लिगेंड रिमूव हुआ है, तो देखिए यहां से यह लिगेंड रिमूव हुआ है और ये क्या बन गया ये शेप क्या है स्क्वायर पिरामिडल। इस शेप को हम क्या कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल शेप ये होगा इसको हम कहेंगे बच्चों स्क्वायर पिरािडल Okay? और उसके बाद क्या होगा इस स्क्वायर पिरामिडल में ये जो y है, जो है है वो इसमोशन से, से क्या करेगा अटैक करेगा और अटैक करने के बाद इट विल फॉर्म दी प्रोडक्ट ये क्या बना देगा प्रोडक्ट बना देगा जहां पर आप देख रहे हैं रिटेंशन ऑफ कन्फ्यूग्रेशन रहेगा अगर ये सिस आइसोमर है तो सिस प्रोडक्ट बनेगा अगर ये ट्रांस आइसोमर है तो ये ट्रांस प्रोडक्ट बन जाएगा ये क्या होगा रिटेंशन होगा कन्फ्यूग्रेशन में ओके okay? जनरल uh, हम जनरल वे में कह रहे हैं और अगर हम दूसरा पाथवे देखें दूसरा इंटरमीडिएट देखें तो आप देखेंगे कि एक एक्स जब इसमें से रिमूव होगा तो यहाँ पर क्या होगा जो बाकी ग्रुप्स होंगे बचे हुए ग्रुप्स वो क्या करेंगे उनमें जंबलिंग होगी उनके बॉन्ड जो है वो अपनी पोजिशन को चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद एक दूसरी स्टेट बनाएंगे इंटरमीडिएट स्टेट जिसे हम कहते हैं ट्राइगनल बाई पिरामिडल ये स्टेट क्या है ट्राइगनल बाई पिरामिडल आप देख सकते हैं ये एक प्लेन है और ये एक अपर साइड में लिगेंड है और

जूनिमोलिकुलर रिएक्शन है यहां पर मैंने इसको एस एन वन कर दिया है बच्चों यहाँ पर एस एन टू हो गया था इसको करेक्ट कर लीजिएगा अब यहां पर देखिए मैंने आपसे कहा कि जब एक यूनिमोलिकुलर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी तो दो तरीके के इंटरमीडिएट पॉसिबल हैं एक स्क्वायर पिरामिडल और एक ट्राइगनल बाई पिरामिडल तो स्क्वायर पिरामिडल में आप देख रहे हैं कोई बॉन्ड्स की जंबलिंग जरूरत नहीं है उनको चेंज करने की जरूरत नहीं अपनी पोजिशन को और जो प्रोडक्ट होगा वो सेम रिटेंशन ऑफ कंफिग्रेशन होगा और आप देखिए जब ट्राइगनल बाई पिरामिडल बनेगा तो यहाँ पर जो जो ग्रुप्स है उनकी आ, उनकी पोजीशन चेंज हो रही है इसलिए यहां पर आप देखेंगे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इसको चेंज करने के लिए ट्राइगनल बाई पिरा इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होने के लिए इसलिए आप ये देखेंगे जनरली जो जो एनर्जी आ, जो एनर्जी के हिसाब से जो स्टेबल इंटरमीडिएट है वो है स्क्वायर पिरामिडल जो कि नॉर्मली बनता है इंटरमीडिएट क्योंकि यहां पर कोई भी बॉन्ड मूव नहीं होना है जबकि ट्राइगनल बाई पिरामिडल में आप देखिए बॉन्ड्स को मूव होना है और बॉन्ड्स मूव होते हैं उसके बाद भी आप देखेंगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जो ज्योमेट्री है उसमें बेरी रोटेशन होता है इसलिए वो जब उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें रेसेमिक मिक्सचर मिलेगा सिस्ट मिलेगा और ट्रांस में मिलेगा इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इन एस एन वन रिएक्शन इट प्रोसीड्स नॉर्मली थ्रू द मोर स्टेबल स्क्वायर पिरामिडल स्टेट जो अधिक स्टेबल स्टेट है वो स्क्वायर पिरामिडल है क्योंकि यहां पर मूवमेंट नहीं है बॉन्ड्स का इंटरमीडिएट रादर रान टीपीपी जो ट्राइगनल बाई पिरामिडल जो स्टेट है उससे अधिक स्टेबल स्टेट कौन सी है स्क्वायर पिरामिडल तो जनरली जो स्टेट फॉर्म होती है वो स्क्वायर पिरामिडल होती है अगर हम इस इंटरमीडिएट का एनर्जी प्रोफाइल देखें एनर्जी प्रोफाइल ऑफ इंटरमीडिएट किसका जो कि एस एन वन मैकेनिज्म में बनते हैं एस एन वन मैकेनिज्म का अगर हम एनर्जी प्रोफाइल देखें तो आप देखेंगे इसका एनर्जी प्रोफाइल हम ये देखेंगे कि ये देखिए बच्चों एनर्जी है और ये इधर क्या है दिस इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट ओके तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट है यहाँ पर हमें किस तरीके का ग्राफ किस तरीके का हमें प्रोफाइल मिलेगा प्रोफाइल कुछ हमें इस तरीके का मिलता है ओके इस तरीके का प्रोफाइल का मतलब है कि यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं रिएक्टेंट रिएक्टेंट क्या है रिएक्टेंट है अगर एम एक्स एन और इसके साथ दूसरा रिएक्टेंट कौन सा है वाई जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है जब वाई इसके साथ रिएक्शन करने वाला है तो एक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इसे अटेन करनी होगी पहले ये क्या है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है इतनी ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जब ये अटेन करेगा तो ये एक स्टेबल इंटरमीडिएट बनाएगा यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक जो आपको यहाँ पर नीचे एनर्जी आ रही है ये ये किसकी है ये इंटरमीडिएट स्टेट की है ये, ये प्लेट्यू जो है वो इंटरमीडिएट स्टेट का है और इंटरमीडिएट स्टेट में क्या होगा ये एक्स अलग होगा और ये जो एम एक्स एन और साथ में क्या है यहाँ पर वाई रिएक्ट करने वाला है यानि ये जो एक कोऑर्डिनेशन नंबर कम जो जो कंपाउंड है जो इंटरमीडिएट है ये ट्राइगनल वाई पिरामिडल भी हो सकता है और स्क्वायर पिरामिडल भी हो सकता है और उसके बाद क्या होगा बच्चों प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा कि ये एम एक्स एन माइनस वन और वाई ये प्रोडक्ट बन जाएगा तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी कम होगी और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होगी अधिक होगी तो ये एनर्जी प्रोफाइल है एस एन वन मैकेजम के लिए जहां पर आप देख सकते हैं कि जो इंटरमीडिएट है वो क्या होता है स्टेबल होता है अब अगर मैं बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की बात करूं तो ये किस मैकेनिज्म के थ्रू होती है एसोसिएटिव मैकेनिज्म यानी इसे हम ए से दिखाते हैं और ये जो एसोसिएटिव मैकेनिज्म है ये भी दो स्टेप के थ्रू होती है पहला जो स्टेप है वो एसोसिएशन होता है एसोसिएटिव है क्योंकि वहां पर आप देखेंगे कि जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो पहले जो कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाइटल उसमें एसोसिएट होता है एसोसिएट होने के बाद ऐसा इंटरमीडिएट बनाएगा जिसका कोऑर्डिनेशन

जो स्टेप होगा उसमें क्या होगा कि जो जो एक्स होगा जो लिगेंड होगा वो वहां से निकल जाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा फिर से कोऑर्डिनेशन नंबर वही हो जाएगा जो रिएक्टेंट में था और ये स्टेप क्या होगा फास्ट स्टेप होगा इसको अगर हम इसकी रिएक्शन देखें तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेंगी कि ये जो ऑक्टा कॉम्प्लेक्स है ये न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगा और न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करने के बाद सेवन कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट बनाएगा देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर छह और एक साथ हो गया सेवन कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया ये जो स्टेप है ये स्लो स्टेप है यहाँ पर आप देख रहे हैं एसोसिएशन हो रहा है वाई जुड़ रहा है तो एसोसिएशन स्टेप इसे हम कहते हैं फिर ये जो जो मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल में से एक्स जो है वो रिमूव हो जाएगा और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा इसको हम कहते हैं डिसोशिएटिव स्टेप तो ये पहला स्टेप एसोसिएटिव है जो कि स्लो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है इसलिए ये मैकेनिज्म क्या कहलाती है एसोसिएटिव मैकेनिज्म कहलाती है और आप देखेंगे जो टोटल ओवरऑल रिएक्शन है वो इस तरीके से देखेंगे कि जो एम एक्स सिक्स है वो वाई से रिएक्शन करके प्रोडक्ट और एक्स को रिमूव करता है यहां पर अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे बच्चों तो वो किस पर डिपेंड करेगी क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये स्लो स्टेप है इसलिए ये रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स एंड कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियो

आप देखिए ये एक ऑक्टा मॉलिक्यूल है इस ऑक्टा मॉलिक्यूल में दो तरीके से अटैक हो सकता है वाई का अगर वाई का अटैक होता है एज uh, के थ्रू देखिए एज है ये एजेस के थ्रू अगर अटैक है तो यहाँ पर यानी एज के थ्रू जब अटैक होगा तो ये बॉन्ड्स जो है वो मूव करेंगे और मूव करने के बाद जो हमें स्टेट मिलेगी जो इंटरमीडिएट स्टेट मिलेगी वो क्या कहलाती है पेंटागनल बाई पिरामिडल ये एक पेंटागन है और आप देख रहे हैं एक लिगेंड अब ऑफ द प्लेन एंड वन इज बिलो द प्लेन तो इस तरीके से आप देखेंगे ये क्या कहलाएगी पेंटागनल बाई इंटरमीडिएट स्टेट जहां पर बॉन्ड्स को मूव करना होगा जब के ये दिखाया हुआ से और एक्स रिमूव होने के बाद प्रोडक्ट हमें मिलेगा ये प्रोडक्ट जो है वो भी ऑक्टाहेड्रल होगा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर अगेन रिड्यूसेस टू सिक्स सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर सेवन कोऑर्डिनेशन नंबर एंड सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर दूसरे तरीके का जो अटैक है वाई का वो कहाँ से हो सकता है फेस से हो सकता है फेस मतलब एक्स एक्स और एम ये जो फेस है या एक्स एम एक्स ये जो फेस है कई सारे इसमें फेस होंगे उन फे, उस फेस के थ्रू अटैक हो सकता है अगर फेस के थ्रू अटैक होगा तो आप देखेंगे कि ये जो मूवमेंट है बॉन्ड्स का वो नहीं होगा और आप देखिए कि यहां पर एक पहले से ही एक्स था और उसी साइड दूसरा वाला बाई भी जुड़ जाएगा और जब ये जुड़ जाएंगे तो एक ये एक नया इंटरमीडिएट हमें मिलेगा और इस इंटरमीडिएट को हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं ऑक्टा वेज डब्ल्यू डी जी तो ये ऑक्टा हिटल वेज इंटरमीडिएट है और इस इंटरमीडिएट में बॉन्ड्स को अधिक मूव नहीं करना है और बॉन्ड्स को जब मूव नहीं करना है तो इसकी एनर्जी क्या होगी कम होगी और इस इंटरमीडिएट को बनने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी इसलिए आप देखेंगे द एसेंटू रिएक्शन प्रोसीड नॉर्मली थ्रू द मोर स्टेबल जो जो रिएक्शन मैकेनिज्म अगर हम एसेंटू देखें तो ऑक्टाइड्रल जनरली ऑक्टाइड्रल वेज इंटरमीडिएट के थ्रू होता है यहाँ पर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्योंकि ये कम एनर्ज जी रिक्वायरिंग इंटरमीडिएट स्टेट है और इसलिए जो पेंटागनल बाईपिरािटल जो इंटरमीडिएट स्टेट है वो कम प्रफरेबल है और इसके बाद क्या बनेगा प्रोडक्ट बनेगा तो पहला जो स्टेप है, है? है।, है, है वो लीव हो रहा है ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे वाई एड होगा फेस पर और फेस पर एड होने के बाद ऑक्टाहीट्रल वेज आ, जो इंटरमीडिएट है वो बनेगा उसके बाद आप देखेंगे जो एक्स है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर रिमूव हो जाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा अगर हम इसके लिए अगेन हम यहाँ पर अगर एनर एनर्जी प्रोफाइल देखना चाहें तो इस यहाँ पर एस एन टू मैकेनिज्म के लिए अगर हम एनर्जी प्रोफाइल को ड्रॉ करना चाहें तो लगभग ये भी कुछ एस एन वन मैकेनिज्म की तरह ही आ, आपको दिखाई देगा तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एनर्जी प्रोफाइल अगर ये अगेन ये एनर्जी है और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हैं तो जो हमें यहाँ पर एनर्जी प्रोफाइल मिलता है वो कुछ इस तरीके का मिलता है कि यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है दीज आर रिएक्टेंट ये रिएक्टेंट है रिएक्टेंट क्या था एम एक्स एन प्लस वाई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए इंटरमीडिएट स्टेट तक पहुँचने के लिए तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है और उसके बाद ये जो है वो इंटरमीडिएट स्टेट है और इंटरमीडिएट स्टेट क्या है इंटरमीडिएट स्टेट है एम एक्स वाई तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर पहले सिक्स था वो कोऑर्डिनेशन नंबर सेवन हो गया ऐड हो गया एसोसिएशन हुआ और फिर क्या होगा कि ये फाइनली प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा एक्स यहाँ से हटेगा और ये क्या बन जाएगा एम एक्स एन माइनस वन वाई तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी कम होगी और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होगी अधिक होगी तो ये रिएक्शन प्रोफाइल है एस एन टू लिए लेट्स नाउ कंक्लूड आर लेक्चर अब हम अपने लेक्चर को कंक्लूड करेंगे कि इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा इस लेक्चर को पढ़ के अगर हमें ये पता चल गया कि कौन कौन से इंटरमीडिएट्स हैं जो बनते हैं यहाँ पर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑक्टा कॉम्प्लेक्सेस तो हमारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ना तो आपने पहले तो ये देखा जो सब्सिट्यूशन रिएक्शन जनरली ऑक्टा हिटल में होती हैं वो लिगेंड सब्सटीट्यून रिएक्शन होती है लिगैंड न्यूक्लियोफाइल है इसलिए न्यूक्लियोफुलिक्स सब्सटीट्यूशन रही रिएक्शन है जनरली दो दो रिएक्शन टाइप की होती है एस एन वन एंड एस एन टू एस एन वन रिएक्शन जो है वो डिसोशियटिव मैकेनिज्म के थ्रू होती है क्योंकि पहला स्टेप क्या होता है यहाँ पर डिसोशिएशन ऑफ लिविंग ग्रुप लिविंग ग्रुप जो है वो डिसोशिएट होता है और देन सेकेंड स्टेप में क्या होता है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पर दो तरीके के इंटरमीडिएट बनते हैं एक इंटरमीडिएट स्क्वायर पिरामिडल होता है और दूसरा इंटरमीडिएट बन सकता है ट्राइगनल बाई पिरामिडल ट्राइगनल बाई पिरामिडल जो एनर्जी रिक्वायरिंग इंटरमीडिएट है इसलिए जो मोस्ट प्रिफरेबल जो इंटरमीडिएट होता है वो स्क्वायर पिरामिडल होता है इसमें जो आपने एनर्जी प्रोफाइल देखा कि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट है उसको बनने के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करना होगा और ये जो इंटरमीडिएट है इसका फॉर्मेशन होता है और ये एक कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है इसका रिएक्टेंट से देन फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है देन दूसरे तरीके के जो जो के जो जो रिएक्शन हमने वो हैं कि एसोसिएटिव मैकेनिज्म थ्रू होती हैं बिकॉज फर्स्ट स्टेप इज एसोसिएशन आप देखेंगे पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल एड होगा कोऑर्डिनेशन नंबर विल इंक्रीज टू सेवन एंड देन इन द द स्टेप लिविंग ग्रुप विल और विलोशिएट फ्रॉम दिस सेवन कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट स्पेसीज दिएक्शन डिपेंड्स अपॉन टू कंसेंट्रेशन ऑफ टू स्पीसीड ऑर्डर रियक्शन और आप देखेंगे दो तरीके के इंटरमीडिएट यहां पर बन सकते हैं जब एज के थ्रू अटैक होगा तो पेंटागनल बाई पिरािडल बनेगा और जब फेस के थ्रू अटैक होगा तो ऑक्टाहीट्रल वेज बनेगा और इनमें से उसके बाद ये सेवन कोऑर्डिनेटेड जो इंटरमीडिएट है इनमें से लिविंग ग्रुप डिसोशिएट होगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा यहां पर आप देख सकते हैं जो ऑक्टाहीट्रल वेज है वो

हैं जो लेबाइल होते हैं ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो इनर्ट होते हैं जो ऑक्टाइड्रल वेज के थ्रू रिएक्शन uh, शो करते हैं या जो ट्राइगनल बाईपिरािडल के थ्रू रिएक्शंस uh, को शो करते हैं या एस एन वन मैकेज्म में किस इंटरमीडिएट uh, के थ्रू रिएक्शन पॉसिबल होगी कौन से कॉम्प्लेक्स लेबाइल होंगे कौन से क्या होंगे इनर्ट होंगे ओके सो फॉर दिस लेक्चर इट इज ओवर So thank you very much.